अब हम बात करेंगे जो सिविलियन ग्रुप सी के हेडक्वार्टर साउथर्न कमांड में जो वैकेंसीज निकली हैं 55, इसका जो एप्लीकेशन फॉर्म है आपको ऑफलाइन मोड से कैसे भरना है, उसके साथ कौन कौन से डॉक्यूमेंट अटैच करने हैं एंड वो कौन से पोस्ट के थ्रू भेजना है। जैसे यहाँ पे उन्होंने बता रखी है टोटल जो है 55 वैकेंसी है, बार्बर की 12 एंड चौकीदार की 43 है। देन यहाँ पे देखिए आपने जो अपना एप्लीकेशन फॉर्म सेंड करना है वो ऑफलाइन मोड से करना है, जो भी आपके रिक्वेस्टेड डॉक्यूमेंट रहेंगे। देन यहाँ पे इन्होंने इसका पूरा दे रखा है कौन कौन से डॉक्यूमेंट दे रखे हैं वो आपको यहाँ मिल जाएंगे, कौन से एड्रेस पे करना है ये मिल जाएगा। देन यहाँ पे दे रखे कौन से एड्रेस पे करना है, यहाँ पे एनवलप है, देन यहाँ पे इन्होंने सारी डिटेल्स दे रखी है। यहाँ पे आप इसके नीचे जाएंगे, यहाँ से आपको जो इसका एप्लीकेशन फॉर्म मिल जाएगा, अनक्षर ए में जाके जो आप इसका एप्लीकेशन फॉर्म है वो डाउनलोड कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे जाएंगे तो यहाँ पे इन्होंने इसका एप्लीकेशन फॉर्म दिया हुआ है, तो यहाँ पे आपने पहले भरना आप कौन सी पोस्ट के लिए कर रहे हैं। जैसे आप यहाँ पे बार्बर के लिए कर रहे हैं तो आपने यहाँ पे बार्बर लिख देना है कि हम बार्बर के लिए अप्लाई कर रहे हैं। देन ये आपने इसको यहाँ पे जैसे भी आप करेगा कैपिटल लेटर्स में भरना है। यहाँ पे आपका एम्प्लॉयमेंट न्यूज आ जाएगा जिसमें भी आपने ये पब्लिश हुई थी, तो यहाँ पे इनका मतलब जब आप उसमें करेंगे इनका साइज ऑटोमेटिकली आ जाएगा, यहाँ पे आपने कर देना है। यहाँ पे आपका एडवर्टीजमेंट नंबर आ जाएगा, ये मैं आपको कमेंट सेक्शन में लिख के बता दूंगी। देन ये कौन सी डेट को आया था वो बताऊंगी। देन यहाँ पे आ जाएगा टू द कंसर्न यूनिट, यहाँ पे आपने ये जो यहाँ पे इन्होंने दे रखी आपने यही लिख देना है, द प्रेजिडिंग ऑफिसर, इसको आपने जो है यहाँ पे लिखना है, ये पूरा का पूरा यहाँ पे आ जाएगा। देन यहाँ पे आ जाएगा नेम क्या है कैंडिडेट का, ब्लॉक लेटर्स में लिखना है, यहाँ पे आपने जो है हिंदी में लिखना है। तो यहाँ पे आपका नाम जैसे राम सिंह है, यहाँ पे आपने हिंदी में लिख देना है राम सिंह। तो ये यहाँ पे इन्होंने स्पेशली बोला हुआ है कि राम सिंह हिंदी में लिखना है। और इसके अलावा जो यहाँ पे आ जाएगा आपका जैसे नीचे यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ है ये आपका कैपिटल लेटर्स में आएगा, तो यहाँ पे आपने जो है कैपिटल लेटर्स में लिख देना है। देन नीचे आपके यहाँ पे इन्होंने दे रखा है फादर नेम या हस्बैंड नेम जो भी उनका रहेगा, तो यहाँ पे उन्होंने अपने फादर का नेम लिख देना है। देन यहाँ पे आपने इसके आगे टिक कर देना है जो भी आप करेगा, फादर नेम है तो यहाँ पे फादर नेम कर दिया। देन यहाँ पे इनकी मदर नेम आ जाएगा जो भी इनकी मदर का नेम है। देन नेक्स्ट में आ जाएगा उनकी डेट ऑफ बर्थ क्या है वो आपने यहाँ पे लिख देनी है, जो भी उनकी डेट ऑफ बर्थ रहेगी जो उनके मतलब मेट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट में है उन्होंने वही लेनी है, और इसका प्रूफ इन्होंने इसके साथ वो भी अटैच करना है तो वो रहेगी। यहाँ पे आ जाएगा कितने साल के हुए हैं वो यहाँ पे इन्होंने लिख देनी है, जैसे 19 साल के हुए हैं। देन यहाँ पे लिख देनी है कितने मंथ्स के हुए हैं वो आ जाएगा, यहाँ पे कितने एज, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे इन्होंने लिखना है कि टोटल उनके कितने हुए हैं। देन यहाँ पे मंथ्स आ जाएगा, यहाँ पे कितने डेज के हैं वो इन्होंने यहाँ पे लिख देना है कि हाँ इतने मंथ्स के हुए हैं, सॉरी यहाँ पे 4 मंथ्स के हुए हैं। देन यहाँ पे इन्होंने डेज लिख देने की इतने डेज के हुए हैं। यहाँ पे आ जाएगा कौन सी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं, यहाँ पे आपने कैटेगरी लिख देनी है कि हाँ जैसे यहाँ पे ना दे रखी है कि एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, यहाँ पे आपने एससी कैटेगरी लिख देनी है और इसके ऊपर यहाँ पे कर देना कि एससी कैटेगरी है। यहाँ पे नेशनैलिटी आ जाएगी कौन सी नेशनैलिटी है, यहाँ पे आपने लिख देना कि इंडियन नेशनैलिटी है क्योंकि इन्होंने पहले ही बोला कि इंडियन की है। देन यहाँ पे आ जाएगा कौन सा रिलीजन है, यहाँ पे आपने लिख देना है हिंदू, तो यहाँ पे हिंदू लिख दिया है। यहाँ पे आपका एड्रेस आ जाएगा 7 में जो एड्रेस दिया हुआ है विद पिन कोड, एड्रेस लिखना है पिन कोड के साथ एंड मोबाइल नंबर के साथ। यहाँ पे आ जाएगा कौन सा आपका पोस्ट ऑफिस लगता है उसका नेम आ जाएगा, कौन सी आपकी तहसील लगती है, देन कौन सा आपका नियर बाय पुलिस स्टेशन लगता है, हाउस नंबर विलेज अगर कोई है तो वो आपने यहाँ पे लिख देना है, देन कौन सी डिस्ट्रिक्ट है, देन उसमें कौन सी स्टेट है, जैसे हरियाणा में लगा लो हरियाणा है। देन यहाँ पे उसमें आपकी पानीपत या सोनीपत कोई भी लगा लो वो है तो आपने यहाँ पे लिख देनी है पानीपत आपकी डिस्ट्रिक्ट लगती है, देन उसमें कौन सा आपका एरिया होगा वो आ जाएगा। यहाँ पे उधर का पिन कोड आ जाएगा जो भी आपका रहेगा वो आपने यहाँ पे लिख देना है। यहाँ पे आपका एक वैलिड मोबाइल नंबर आ जाएगा आपने वो जरूरी लिखना है। देन यहाँ पे नेक्स्ट में आपका परमानेंट एड्रेस आ जाएगा, अगर आपका सेम है तो आपने यहाँ पे सेम ही कर देना है। देन वही आ जाएगा जो भी आपने यहाँ पे लिखा हुआ है कि हाँ 45 है तो यहाँ पे सेम आ जाएगा 45 है। देन यहाँ पे आपकी डिटेल्स वगैरह आ जाएंगी। यहाँ पे कैंडिडेट ने एक अपनी वैलिड ईमेल आईडी लिख देनी है, जो भी उनकी एक वैलिड ईमेल आईडी हो तो यहाँ पे उन्होंने अपनी लिख देनी है। तो यहाँ आप नीचे जाएंगे तो यहाँ पे इन्होंने आपकी होगी मोबाइल नंबर वगैरह ये आपने इसके अकॉर्डिंग लिख देने हैं। देन नीचे आप जाएंगे यहाँ पे आपको अपनी जो भी एकेडमिक टेक्निक या प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है वो आपने यहाँ पे लिखनी है। जैसे उन्होंने बार्बर के लिए बता रखा है मेट्रिकुलेशन पास होनी चाहिए, उसके इक्विवेलेंट कोई भी स्टडी की होनी चाहिए, तो यहाँ पे आप अपनी मेट्रिकुलेशन से शुरू कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे 10th की लिख देनी है कि 10th आपने जो भी आपकी है, देन कौन से ईयर में पास की है वो आपने यहाँ पे लिख देनी है कि इतने ईयर में की हुई है, आपने वो लिख दी यहाँ पे 10th इतने में की है, कौन से बोर्ड से की हुई है वो आपने लिख देनी है, HBSE।
HBSC से कर रखी है, हरियाणा का बोर्ड है वहाँ से कर रखी है, कितने परसेंट आपने मार्क्स सिक्योर किए हैं, वो यहाँ पे आ जाएगा कि आपने इतने परसेंट मार्क्स सिक्योर किए हुए हैं। देन यहाँ पे आ जाएगा कौन सा डिवीज़न था, वो आपने यहाँ पे लिख देना है, फर्स्ट था तो यहाँ पे फर्स्ट लिख देना है। देन अगर आपने इससे ज़्यादा की हुई है तो आप यहाँ पे लिख सकते हो, अगर आपने कोई टेक्निकल कर रखी है तो आप टेक्निकल लिख सकते हैं। देन अगर हायर कर रखी है तो वैसे उन्होंने बोला कि आपको इसका कोई भी बेनिफिट नहीं किया जाएगा, इसके आपने जो इसके साथ डॉक्यूमेंट अटैच करने हैं। देन नाइन्थ में आ जाएगा एक्सपीरियंस, अगर है तो आपने यहाँ पे लिख देना, जैसे इन्होंने एक्सपीरियंस मांगा हुआ अगर आपके पास है तो आपने लिख देना है। देन यहाँ पे गवर्नमेंट सर्वेंट है तो येस कर देना, अदरवाइज नो कर देना है। देन यहाँ पे आपकी जो सिग्नेचर वगैरह आपने वो कर देने, यहाँ पे आपके साइन आ जाएंगे, कैंडिडेट ने अपने साइन कर देने जो भी उनके रहेंगे। इसके साथ साथ आपने जो है 3 पासपोर्ट साइज फोटो, सेल्फ अटेस्टेड फोटोग्राफ इसके साथ अटैच करनी है। पोस्टल ऑर्डर आपको बनाना होगा, यहाँ पे इन्होंने दे रखा है आपको इसके फेवर में बनाना है, जो यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ है कमांडिंग ऑफिसर 4012 फील्ड हॉस्पिटल, तो आपको इसके फेवर में अपना एप्लीकेशन यहाँ पे जो आप लिखेंगे तो यहाँ पे आपने लिख देना है कि कमांडिंग ऑफिसर, यहाँ पे आपने लिख देना है कमांडिंग ऑफिसर। फोर जीरो वहां पे जो इन्होंने एड्रेस दिया हुआ था वही आएगा। तो यहाँ पे हम एक बार देख लेते हैं क्या था, 4012 फील्ड हॉस्पिटल कमांडिंग ऑफिसर, 4012 फील्ड ऑफिसर। तो ये हमारा जो बैंक ड्राफ्ट है वो इसके फेवर में बनेगा, तो आपने यहाँ से देख लेना है कि आपने वही एड्रेस डालना है जिसका आपने यहाँ पे ड्राफ्ट बनाना है। देन यहाँ पे आपने इसको ऐसे करके कर देना है कि हाँ। देन यहाँ पे आ जाएगा आपने कौन सी डेट को बनाया, आपके DD का नंबर आ जाएगा, जो भी आपके पोस्टल ऑर्डर का नंबर होगा कौन सी डेट को बनाया वो आपने यहाँ लिख देनी है। देन यहाँ पे आपने कितने इसके साथ डॉक्यूमेंट अटैच किए हैं वो आ जाएगा, लाइक अगर आपने यहाँ पे जैसे इन्होंने दे रखा है, एक तो आपका डेट ऑफ बर्थ का रहेगा, देन नेक्स्ट आपका रहेगा यहाँ पे कैटेगरी है तो आपकी कैटेगरी की रहेगी, एक आपका नेशनैलिटी का रहेगा, देन नेक्स्ट आपका रहेगा यहाँ पे फोर्थ आपका एकेडमिक करेगा अगर आपकी जो क्वालिफिकेशन है, फिफ्थ आपका रहेगा एक्सपीरियंस का, जैसे ये फिफ्थ हो गया। अगर आपका इसके अलावा भी तो आपने उतनी यहाँ पे लिख देने की इतने की हुई है, यहाँ पे टोटल लिख देने की मैंने इसके साथ 6 शीट्स जो है अटैच की हुई है। यहाँ पे सिग्नेचर आ जाएंगे, यहाँ मेल कैंडिडेट है उन्हें लेफ्ट थम इंप्रेशन देना है और जो फीमेल कैंडिडेट है उन्हें राइट थम इंप्रेशन देना है। तो यहाँ पे इन्होंने दे रखा है कि आपको सेंड कैसे करना है, आप या तो इसे लिखा है कि रजिस्टर्ड पोस्ट के थ्रू सेंड करते हैं या फिर स्पीड पोस्ट के थ्रू जो सेंड कर सकते हैं। एड्रेस यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ है, इस एड्रेस पे आपको जो एप्लीकेशन फॉर्म है पहुंच जाना चाहिए, प्रेसिडेंट ऑफिसर हेडक्वार्टर साउथर्न कमांड देन केयर ऑफ 4012 फील्ड हॉस्पिटल, यहाँ पे दे रखे केयर ऑफ 56 APO पिनकोड 4090 4012, इस एड्रेस पे आपने भेजना है। और आपने जो एनवलप है उसके ऊपर क्लियरली मेंशन करना है कि आप एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ कौन सी पोस्ट क्लिक कर रहे हैं, जैसे यहाँ पे बार्बर आएगा बार्बर क्लिक कर रहे हैं, वहाँ पे आपने कैटेगरी भी मेंशन करनी है। डॉक्यूमेंट आपने अपना एजुकेशनल करेगा, कास्ट करेगा, एक्स सर्विस मैन है तो डिस्चार्ज करेगा, देन इंडियन नेशनलिटी क्लेम में से कोई भी एक प्रूफ चल सकता है, या इसके अलावा यहाँ पे आपके जो भी आपने चूज किए रहेंगे। इसके अलावा आपने इसके साथ सेल्फ एड्रेस एनवलप भी सेंड करना है। और अगर आप यहाँ पे इन्होंने बता रखा हम कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, देन आपको जो 100 रुपीज़ का पोस्टल ऑर्डर की फीस भी जमा करानी है जो कमांडिंग ऑफिसर 4012 फील्ड हॉस्पिटल के फेवर में बनानी है। प्लस आपको इसके साथ 2 रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटो भी करनी है, यहाँ पे इन्होंने 2 लेके बट यहाँ पे इन्होंने 3 दे रखी है, आपने 3 सेल्फ अटेस्टेड फोटोग्राफ इसके साथ जो एप्लीकेशन फॉर्म के साथ सेंड करनी है। तो ये इनका आपका पूरा का पूरा एप्लीकेशन फॉर्म रहेगा, यहाँ पे इन्होंने बता रखा है कि क्या क्या आपको मतलब चाहिए होगा, डॉक्यूमेंट कौन कौन से करने हैं, एनवलप कैसा है, सेल्फ अटेस्टेड एनवलप वगैरह, ये सब कुछ आपने जो इसके साथ सेंड करना है। यदि आपको इससे रिलेटेड और अधिक जानकारी चाहिए तो आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। यदि आपकी इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक एंड शेयर। इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।